ये ताज उतारते हैं और ये लगाते हैं। कुछ भाई कहते हैं कि जहन भाई ब्रिटा की टॉप स्पीड के बारे में हमें बताओ। ब्रिटा के अंदर मैंने टॉप स्पीड वाली बड़ी फिल्म डाली हुई है, आपको पता नहीं है, हेडलाइट के साथ कनेक्ट की है। ब्रिटा और ग्लो की जो मॉडिफिकेशन है वो तकरीबन हो चुकी है एंड। अब डिसीजन मैंने क्या दिया है, अस्सलाम वालेकुम जी भाइयों, क्या हाल चाल है सब भाइयों का, ठीक ठाक हैं, मज़े में सब भाई। आज कुछ सीन्स इस तरह के हैं कि बहुत दिनों बाद, ये दिन वैसे भी रूटीन थोड़ी सी इसी तरह चल रही है, लेकिन आज मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रूटीन मेरी आजकल क्यों इस तरह चल रही है, मैं इतने लेट व्लॉग क्यों अपलोड कर रहा हूँ, तो ये आपको बाद में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं। आज की रूटीन अगर आपको बताएं तो ब्रिटा की थोड़ी सी हालत दुरुस्त कर दी है, अब टोटल मतलब ठीक है। अभी जो उसकी फ्रंट लुक है ना, जो आपको याद होगा पहले इस रैप से पहले जो हाफ ब्लैक लुक थी, ठीक है, फ्रंट लुक अभी वही वाली है पुरानी, इसको थोड़ा न्यू करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। ये बस ब्रिटा जो है वो फाइनल स्टेज में है और ग्लोक भी वो भी तकरीबन फाइनल ही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके बाद मेरे क्या प्लान है, मैंने अब क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ डिटेल से ये चीज़ें भी। यही सोच सोच के बस आपका भाई जो है वो थोड़ा सा लेट व्लॉग अपलोड कर रहा है, बहरहाल आज ये जो कुछ होना है वो आपको बताते हैं। ये जो चीज़ें ये आपको इंशाल्लाह बाद में एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, 500 मेरे ख्याल में 500 या 400 सब्सक्राइबर टोटल रह गए हमारे, 20 को होने को, 20 के हो जाएँ मैं कहता हूँ पप्पू काम हो जाएगा। ये कुछ छोटे छोटे मामलात हैं तो इंशाल्लाह अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो फ्रंट पे ताज लगा हुआ है ब्रिटा के वो चेंज करते हैं और भी काफ़ी चीज़ें आपको जाके बताते हैं। गैरेज में आ चुके हैं और सबसे पहले देखें माशाल्लाह से करोला प्यारी चमचमाती हुई, और उसके बाद आपको मैं अगर लोगो दिखाऊं, ये चीज़ें रख ले पहले, तो ये लोगो है जी, ठीक है, ये लोगो लगाना है, मतलब कि बास बना हुआ है हॉक, वैसे तो ग्लोक पे हॉक है लिखा हुआ है, लेकिन अब जो ब्रिटा के फ्रंट पे ताज लगा हुआ है उस ताज को उतारना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया, वैसे अच्छा लगता है लेकिन अरसा काफ़ी हो गया, तो इस वजह से इन कवर्स वगैरह को इग्नोर किया करें, क्योंकि जब मैं गाड़ी निकालता तो कवर वगैरह सारे बाइक्स पे, और जब बाइक्स निकालता हूँ तो कवर वगैरह सारी गाड़ी पे। अभी बस ब्रिटा के फ्रंट से ये जो है ये ताज उतारते हैं और ये लगाते हैं, उसकी जगह ये जो नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है इधर लिखवाते हैं ऑन टॉप, उसके बाद ये जो ऑन टॉप लिखा हुआ है ये हटा के यहाँ पे लिखवानी है इंस्टा आईडी, ठीक है, क्योंकि इंस्टा आईडी मेरे किसी दोनों बाइक में किसी के ऊपर भी नहीं लिखी हुई, तो इस वजह से ये बस दो तीन काम है तो ये करते हैं, उसके बाद चलते हैं जाके ये लिखाई वगैरह करवाते हैं, ठीक है। पहले ये ताज में उतार लूँ, छोटा ताज बाज वगैरह लगा चुके हैं, लेकिन आपके भाई को जो सच बात है इतना हास लगा नहीं है, तो इस वजह से मैं अभी इसको उतारने लगा हूँ वापस, पहले जाता हूँ वहाँ पे कोई लोगो देखता हूँ, कोई लोगो लगाता हूँ यहाँ पे इसको उतार देते हैं, ये हमारा एक किस्म का अब ज़ाया ही हो चुका है, तो ये उतर गया। कुछ भाई कहते हैं कि जहन भाई ब्रिटा की टॉप स्पीड के बारे में हमें बताओ। ब्रिटा के अंदर मैंने टॉप स्पीड वाली बड़ी फिल्म डाली हुई है, आपको पता नहीं है, एक होता है बाइक अल्टर करना, ठीक है, अल्ट्रेशन डालना, लेकिन उससे भी ऊपर का हमने काम किया हुआ, मैंने ये काम किया हुआ अभी, आपको पता है ब्रिटा खड़ा हुआ है अपनी जगह पे, ठीक है, कोई रेस वगैरह नहीं है, बंद हुआ हुआ है ब्रिटा, अभी ब्रिटा सुकून माहौल में है, फिर भी इसकी सुई जो है वो 80 को टच कर रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए, यहाँ से आप ब्रिटा की टॉप स्पीड का अंदाजा लगा लें कि जब ब्रिटा चल रहा होगा तो इसकी सुई कहाँ तक जाएगी। गजब टूबी आ जाती है, मैं शुगर लगा रहा हूँ, ब्रिटा की जो सुई है ना वो आपको याद होगा मैंने चेंज करवाई थी, मतलब कि ये DRL पूरा मैंने DRL कह रहा हूँ, अंदर जो पैनल है वो पूरा मैंने चेंज करवाया था, जो सुई थी वो कैसे कहते हैं अपनी जगह से हिली हुई है, रनिंग तो मीटर की चल रही है, ये जो अंदर रनिंग है ना ये तो चल रही है, ऊपर जो सुई है ना वो सही काम नहीं कर रही, वो मैं जाता हूँ सुई का भी काम करवाना है अभी, तो बस उसके बाद ये जो नट बोल्ट हैं इनका भी रंग उड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपको पता है रंग उड़ जाता है इनका, तो इनका भी मैंने फुल ब्लैक स्प्रे पेंट करना है, तो बस ये काम है। अगर आपको ग्लोक के बारे में बताऊँ तो ग्लोक का जो नीचे इंजन गार्ड लगा हुआ है वो लगा था एक जंप पे बहुत बुरे तरीके से, तो इंजन गार्ड मुझे लगता है टूट गया या फिर उसकी बस नट वगैरह हिले हुए हैं, लेकिन बड़ी बुरी तरीके से आवाज़ कर रहा था, उसका खाली वो काम रह गया ग्लोक का, ठीक है, तो बाकी तो डन है, प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। A few moments later, ताबिश भाई की शॉप पे आ चुके हैं और जो लिखाई वगैरह करवानी है, स्ट्राइड लिखवानी है,
वो आप लिखवाते हैं, लोगो वगैरह नहीं अभी लगाया, वही जो बाहर वाला था वो उतार दिया था, लेकिन आप बस लोगो वगैरह लगाना है, चेक करें। 48 इंस्टा का स्टिकर वगैरह निकाल दिया है, और इंस्टाग्राम पे जिस भाई ने फॉलो नहीं मारा हुआ ये इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो मार लें। उसके अलावा अभी जो है बस चाय वगैरह पी रहे हैं, चाय वगैरह पी के स्टिकर लग जाए, उसके बाद चलते हैं आगे मीटर का कुछ करते हैं, जो मीटर की सुई है वो कोई भी और तो उसको जरा एडजस्ट करवाना है, तो बस ये काम है, उसके बाद चलते हैं घर, तो बाकी जो प्लान हुआ बताते हैं, ठीक है। फुल टाइम रश चल रहा है, चेक करेंगे। अच्छा जी, तो घर में वापस आ गया हूँ, और इसकी जो जहाँ तक बात है लोगों की, तो लोगों में ले आया था अभी अभी फ्रेश, मैं इस पर इन्वेस्टमेंट करके आया हूँ, और जब मैं इसको इंस्टॉल करने लगा तो यहाँ पे जैसे मैंने रखा है ना, तो मुझे बड़ा ओवर लगा है, फिर से ये भी ज़ाया हो गया, तो ये भी मैंने नहीं लगाना। फ़िलहाल जो है वो फ्रंट से सिंपल लुक रहने देते हैं, सिंपल ठीक लग रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि पहले दूसरा लिखा था ना, अब ऑन टॉप लिखा हो तो बड़ा मज़े का लुक सामने से बिल्कुल सिंपल में लग रही है। दूसरा काम हमारा ये था कि कोई नेक बंदा जो है वो हमारे मीटर का बल्ब उतार के ले गया, चेक करें माशाल्लाह से। तो ये बल्ब जो है वो मैं मीटर में लगाऊंगा, ये वाला चेक करें, ये गाड़ियों के मीटर का बल्ब है वैसे, लेकिन चलो कोई नहीं, इंस्टॉल करते हैं इसमें, देखते हैं कैसी रोशनी आती है। मीटर सेट करवाना था लेकिन ये भी नहीं करवाना, सोच विचार के बाद एक आइडिया दिमाग में आया, अब वो क्या आया है वो मैं आपको अंदर जा कर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे UPS का शोर आ रहा है, तो इस वजह से अंदर जाके बताऊंगा आपको डिटेल में। मैंने लगा दिया हेडलाइट के साथ कनेक्ट किया है, हेडलाइट ऑन होगी तो यह बल्ब चलेगा, अच्छी खासी रोशनी है इसकी। अब ये बल्ब लगाते हैं मीटर में, बल्ब वगैरह इंस्टॉल हो चुका है, और अभी सही नहीं हुआ क्योंकि इसके नीचे मीटर के नीचे थोड़ी वायरिंग थी, तो उसको ज़रा साइड पर करना था तो फिर सही रोशनी आती है। अब ये चेक करें रोशनी, जितना ये बल्ब मज़ीद अंदर इसके जा रहा नहीं है मीटर के, इतना ज़्यादा जाएगा रोशनी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, चेक करें आप। तो ये स्टोरी है, हर इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये भी काम डन हो गया मीटर का। अब जो काम रह गया हमारा वो रह गया खाली मीटर की जो सुई हिली हुई है बस, के बाकी माशाल्लाह से ऑल गुड है। ये फ्रेश इंस्टा आईडी लिखवा के आया आपका भाई, ठीक है, चेक करें, जिस भाई ने फॉलो नहीं मारा जल्दी से फॉलो मार लें, आपको अपडेटें मिलती रहेंगी इंस्टा पर, यूट्यूब से पहले ना मतलब के इंस्टा पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, स्टोरीज वगैरह लगाता रहता हूँ, तो आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसको आप कवर डालते हैं, कवर करते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं, आपको डिटेल बताते हैं। अच्छा जी, बात क्या है, सोचा क्या है, आइडिया क्या है, वो आपको बता ही देते हैं कि आइडिया ये आया है ना, अब तकरीबन भी ब्रिटा को रखे हुए मुझे कोई 2021 के एंड पे मेरी बर्थडे थी, तो उस टाइम ब्रिटा जो है वो मुझे गिफ्ट मिला था, तो अब जो है वो ब्रिटा और ग्लो की जो मॉडिफिकेशन है वो तकरीबन हो चुकी है एंड, क्योंकि हर कुछ क्या हमने ब्रिटा और ग्लॉक पे किया है, एक खाली ग्लॉक में जो चीज़ रह गई है वो है एक्सटेंशन, एक्सटेंड कर दा एक्सटेंड। अब क्या है एक्सटेंड, कुछ भाइयों को नहीं पता होता, तो चिमटा उसका बेसिकली हम बड़ा करते हैं, जो YBR का जो चिमटा होता है ना उसको हम बड़ा करते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप कितनी एक्सटेंशन डालना चाहें वो आप पे डिपेंड है, मेटल का पीस डलता है, ठीक है, चिमटे के दरमियान चिमटा पहले कट होता है, अभी जो आप मेटल का पीस है वो आप चाहे 9 इंच का वेल्ड करवा सकते हैं उसके साथ, या 4 इंच का वेल्ड करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, वो मैं आपको चलें एक्सटेंशन का बाद में समझा दूंगा। बहरहाल इन शॉर्ट हम ये बताते हैं कि लास्ट टाइम जो मैंने व्लॉग में पूछा था कि मैं ग्लॉक को एक्सटेंड करूँ या ना करूँ, मतलब 50-50 काम था, कुछ भाई कह रहे थे कि ना करो जैन भाई, लुक ख़राब हो जाएगी, एक्सटेंशन से मज़ा ख़राब हो जाएगा, तो कुछ कह रहे थे कि जैन भाई कर लो अच्छा लगेगा, लेकिन ये मैं बाद में सोचता हूँ कि क्या किया जाए एक्सटेंशन के हवाले से। जो ब्रिटा और ग्लॉक हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, अब डिसीजन मैंने क्या लिया है, ये ग्लॉक की चाबी, ये हमारे ब्रिटा की चाबी, और ये करोला प्यारी की चाबी, अब इन तीनों में से कौन जाता है पहले वो आपको बताता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो मैं कहता हूँ कि जैसे मैं व्लॉग अपलोड करूँगा ना, आप उस व्लॉग का थंबनेल देखेंगे ना तो आपको एकदम झटका लगेगा, तो पता तो ज़्यादातर भाइयों को चल गया होगा, बहरहाल जो कुछ भी है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे क्या हम करने जा रहे हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं,
और नेक्स्ट क्या करना है, क्या हमने काम करना है, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम बताएंगे, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ। उम्मीद है कि मुझे आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब मस्ट कर दें, बाकी गल फोन पे। इसके साथ इंस्टा पे भी फॉलो, जिस भाई ने नहीं मारा हो इंस्टा पे फॉलो मार लें। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अपने भाई को दें इजाज़त।